गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, चैप्टर फर्स्ट, सब्जेक्ट टीवीएस। दिस इज द वीडियो नंबर थर्ड। इसके बाद हमने मदर पेज नंबर जो है बच्चों 10 है, अपने पेज नंबर 10 मदर्स चाइल्डहुड स्टार्टिंग में दिया हुआ है। मदर्स चाइल्डहुड वाला जो टॉपिक है वो हम क्लियर कर चुके थे बच्चों। इसके बाद आपका आता है वेयर डू बेबीज कम फ्रॉम, बच्चे कहाँ से आते हैं, ठीक है, कैसे आते हैं या फिर कहाँ से आते हैं। मदर्स गिव बर्थ टू द बेबीज, जो माता है यानी कि जो भी मम्मियाँ वगैरह हैं वो क्या करती हैं, बर्थ देती हैं, किनको, बच्चों को जन्म देती हैं। द बेबी स्टे इन हर, बच्चे जो हैं वो स्टे करते हैं यानी कि रहते हैं, इन हर स्टमक, स्टमक में मीन्स पेट में, इन द वॉर्म, वॉर्म में गर्भाशय जो होता है, पेट के अंदर गर्भाशय होता है उसमें जो है बेबी रहता है फॉर 9 मंथ्स। कितने महीने रहता है बच्चों, 9 मंथ्स, 9 महीने रहता है। एट दिस स्टेज, और इस स्टेज के दौरान द मदर इज कॉल्ड ए प्रेगनेंट वूमेन, और जो मम्मी है वो क्या कहलाती है, प्रेगनेंट वूमेन कहलाती है, मीन्स गर्भवती महिला कहलाती है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान, द अनबॉर्न बेबी इज फेड थ्रू ए कॉर्ड दैट कनेक्ट द बेबी टू द मदर, बेबी टू द मदर। जो अजन्मा जो बेबी होता है यानी कि मम्मी के जो वॉर्म में, यानी कि वॉर्म मीन्स क्या होता है, गर्भाशय में जो बेबी होता है वो क्या करता है, जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है, एक कॉर्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। कॉर्ड क्या होता है, आहार नाल जो होता है, वो आहार नाल होता है। इससे जो भी मम्मी वगैरह मम्मी खाना खाती है तो वो भी आहार नाल के थ्रू उस बेबी से कनेक्ट होता है। तो बच्चा जो है, वैसे तो वो खा नहीं सकता, पेट के अंदर कैसे खिलाएंगे, तो वो क्या होता है, मम्मी के आहार नाल से जुड़ा हुआ होता है, आहार नाल के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड टू द कनेक्ट द बेबी टू द मदर, और वो मम्मी से जुड़ जाता है। द मदर कैन फील द मूवमेंट ऑफ द बेबी इनसाइड हर बॉडी, और जो मम्मी हैं उनको पता लग जाता है कि बेबी पेट के अंदर जो भी मूवमेंट करता है, जो भी हलचल जो भी होती है बॉडी के अंदर, बेबी जो भी हलचल करता है बॉडी के अंदर, वो मम्मी को पता लग जाता है। When the child is born, जब बेबी का जन्म होता है, it connect cannot do anything, वो खुद से कुछ नहीं करता कर सकता, on its own, स्वयं से कुछ नहीं कर सकता, on miss होता है स्वयं, anything miss होता है कुछ भी नहीं कर सकता, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसको क्या करना पड़ता है, it is looked after by the mother, उसको देखभाल की जाती है, किसके द्वारा, मदर के द्वारा जो है उसकी देखभाल की जाती है। शी फीड्स हिम एंड प्रोटेक्ट्स हिम, वो उनको दूध पिलाती है और फिर क्या करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। लाइक ह्यूमेंस एनिमल्स ऑल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस, मनुष्य की तरह जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, जन्म देते हैं बच्चों को, क्या करते हैं, छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ बाय लेइंग एग्स, कुछ जो एनिमल्स होते हैं किसके थ्रू देते हैं, वो अंडे देते हैं। एंड लाइक टॉर्टोइज, हैंड डक, ये जो एनिमल्स है क्या देते हैं, एग देते हैं, अंडे देते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ, और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो बर्थ देते हैं यानी कि जन्म देते हैं बच्चों को, टू यंग वंस, छोटे बच्चों को, ऑफ देयर ओन काइंड, यानी कि लाइक डॉग, खुद से ही वो देते हैं। लाइक डॉग होता है, हॉर्स होता है, एलिफेंट होता है, ये सब क्या करते हैं, छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 11, फैमिली वैल्यूज। फैमिली वैल्यूज मीन्स परिवार का महत्व। लिविंग इन ए फैमिली, एक फैमिली में रहना, विद अवर फैमिली मेम्बर्स गिव अस ए सेंस, यानी कि वो हमें क्या देते हैं, एक सेंस देते हैं ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा का ज्ञान देते हैं, यानी मीन्स अगर हम फैमिली में रहते हैं तो हमें हर तरह से हमें लगता है, हम सो भी जाते हैं तो हमें लगता है हाँ मम्मी है, पापा है, या जो भी है घर में वो हमें देख लेगा, जो भी होगा बाहर वो देख लेगा, हमें लगता है ना, हमें सिक्योरिटी का भाव यानी कि सुरक्षा का भाव पैदा अंदर होता है। अगर हम अकेले रहते हैं तो हमें टेंशन लगी रहती है कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है, मीन्स हमें फैमिली का महत्व को समझना चाहिए। वी गेट लव, और हमें क्या देते हैं, वो प्यार भी देते हैं, केयर भी देते हैं, सुरक्षा भी देते हैं। एंड वार्म्थ, यानी कि
वो हमें मितभाव भी देते हैं, मीन्स वो हमें आपसी प्रेम भी देते हैं। अवर फैमिली, परिवार के अंदर, अवर एल्डर वर्क, हमारे जो बड़े हैं वो काम करते हैं हार्ड, वर्क हार्ड, बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं, वह हार्ड वर्क या फिर वर्क हार्ड टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन, बच्चों को क्या देने के लिए, विद ऑल द कम्फर्ट्स यानी कि आराम देने के लिए, एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ यानी कि सारे आराम और ऐशो आराम जितने भी हैं, कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज वो उनको जीवन प्रदान करने के लिए बड़े क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। वी सेलिब्रेट स्पेशल डेज, और हम क्या करते हैं, स्पेशल डेज है उनको मनाते हैं, ठीक है, एंड मूमेंट्स टुगेदर, उनके जो क्षण हैं उनको भी एक साथ हम क्या करते हैं, आपस में बांटते हैं। अवर फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल, हमारी जो फैमिली है वो फर्स्ट स्कूल है, प्रथम स्कूल है ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की पहली स्कूल है। वी लर्न सो मैनी थिंग्स एट होम, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो घर में सीखते हैं। सम ऑफ देम आर, जैसे कि कुछ हैं, ऑबिंग एंड प्लेइंग रेस्पेक्ट टू एल्डर, सॉरी ऑबिंग एंड पेइंग यानी कि हम क्या करते हैं, आदर करते हैं या फिर उनको सम्मान देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं टू एल्डर्स, बड़ों को। ये हम कहाँ से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं। टू स्पीक द ट्रूथ, और सत्य बोलना, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य की जो है क्या होती है, विजय होती है, इसलिए हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। ये वाला जो वैल्यू है हम कहाँ से सीखते हैं, फैमिली के अंदर से ही सीखते हैं। नॉट टू क्वारल विद एनीवन, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्वारल मीन्स क्या होता है, झगड़ा करना। नॉट टू स्टील थिंग्स, और किसी की चीज़ें नहीं चुरानी चाहिए हमें, ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम कहाँ सीखते हैं, फैमिली के अंदर। नॉट टू डैमेज अवर बुक्स, हमारी जो बुक्स हैं उनको डैमेज नहीं करना चाहिए। अनदर, और भी जो बिलोंगिंग्स चीज़ें हैं, हमारी जो भी संपत्ति है यानी मीन्स घर के अंदर जो भी वस्तुएं हैं, हमारी कोई भी चीज़ है उनको हमें डैमेज नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। अवर फैमिली टीचर्स वैल्यूज, हमारी जो फैमिली है वो हमें सिखाती है महत्व को। टू ग्रुप अप, ग्रो अप यानी कि उसमें बढ़ना चाहिए, इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग्स यानी कि हमें कैसा बनना चाहिए, बड़े होकर कैसा बनना चाहिए, एक गुड ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए यानी कि अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, फैमिली वैल्यूज से। फैमिली नहीं होगी तो हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा, हम लोग क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें सीख नहीं पाते। ओके बच्चों, चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक बार मुझे पूछ लीजिएगा, जो भी चीज़ समझ में नहीं आए वो आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ओके, और चैप्टर को आप पहले वर्ड मीनिंग्स मैंने इसके कराए थे, तो वर्ड मीनिंग्स जो है वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं, उसके बाद आपको ये चैप्टर रीड करना है, समझ में नहीं आए वो आप पूछ लेना। कल हम इसका वीडियो नंबर 4 में इसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।